दुनिया ने अपने काम कर लिए, तुम सुसो के ना उठा जाता। 11 बजे का लगवाया ट्यूशन, वहां मैं भी नहीं जाए जाता। मम्मी यार सुनो, तुम न्यार करने को उठा जाओ, वहां मेरी कच्ची नींद टूट जावे। और जब कच्ची नींद टूट जा अरे तू भी बोल रहा यार, तू भी तो सो रहा हो। हाँ, जब हमारी कच्ची नींद टूट जावे फिर हमें ट्यूशन में नींद आवे। और मैडम तू कहवे कि जब तक नींद पूरी ना हो ना ट्यूशन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। एक रैपट में ना नींद पूरी हो जाएगी। एक तो लॉकडाउन के चक्कर में 2 साल से स्कूल और बंद हो गए, खुलने के 9 महीना ले रहे, पता ना कैसे स्कूल है थारे। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही हो, कतई कमाल है स्कूल है, नाम कटवा दो हमारा। एक काम करो, कहीं ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाओ जहाँ घर बैठ के कंप्यूटर पर पढ़ाई होती हो। अच्छा जी, तो तुम्हें अब कंप्यूटर और दवा दूं, जहाँ से तुम पूरे दिन गेमिंग में लगे रहो है ना, पढ़ाई लिखाई तो करनी ना तुम्हें। मम्मी पढ़ाई तो करनी है, पर हमें पहले पैसा तो खर्च करो, जब ही तो पढ़ेंगे। स्कूल की फीस तुम देती ना हो, ट्यूशन की फीस पिछले 6 महीने सुना गई, चेन टूटी पड़ी है, बस्ता फटा पड़ा, ऐसे बस्तान में पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई बस्तान चू होवे हैं, पढ़ने वाले रात में लालटेन जला के पढ़े करे, वे आज बड़े बड़े अफसर बने बैठे। आज पता पड़ी हमारे घर में लालटेन ना है, यही बार हमारा पढ़ाई में मन न लगता। अगर आज लालटेन होती ना तो पढ़ लिए होते हम। जरूरी है लालटेन, तुम दिन में ही पढ़ ले करो। तो वे दिन में क्यों ना पढ़े करे, वे दिन में भी पढ़े करे और रात में भी पढ़े करे। अच्छा, दिन में भी रात में भी, इतना ना पढ़ा जाओ मम्मी हम पे। हम पे तो ट्यूशन का 1 घंटा काटना भारी पड़ रहा। रे तुम दोनों मो मेरी कसम खा के नू बता दो, पढ़ोगे या ना? ये झूठे घूम न कह रहे पढ़ने की। तुमने कसम दे रखी है, झूठ कैसे बोल लेते, तुम मर जाती। अरे कहा है क्या, सुबह सुबह कचरा बचरा बता रखी है। पापा जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, कितने बढ़िया बाल है मेरे, तब मैं देख कर दिल खुश हो जाएगा मेरा। अरे क्या बुढ़िया देख के सारा मूड खराब हो जा। एक काम कर रही हूँ, मैं अपने मायके चली जा रही हूँ, तभी रह लीजिए आराम से। वैसे मम्मी क्या साल को जाओगी? मैं ना जा रही कहीं भी, और तुम अब ट्यूशन को चले जाओ, ना तो तुम्हारे रोटी पानी बंद कर दूंगी मैं, जा यहां से। अरे मारा मत कर इन बाल खन्ने, तेरे छोटे बाल अगर लग जाएगी। हाँ हाँ, ये 150 किलो की बोरी तुम्हें बालक दिख रहे। नितिन भाई यार मो पे यू सुबह सुबह उठ के रोज ना ट्यूशन ना जाया था, आपत दिखाई दे। कुछ ऐसा ना हो सकता जो मैडम ही हमारे घर आ जाए करे? हो सके है ना। कैसे? मैडम आ जा करे घर ही। कैसे? होम ट्यूशन लग जाएगा, मैडम यहीं आ जा करेगी। पैसा फाल तू लेगी ना? अरे पैसा वैसा कुछ ना लेती, बस बातचीत अच्छी होनी चाहिए। पूछ लो पापा से। पापा से पूछ ले। आ जा यार जल्दी आ जा, कहाँ पता लगवा दे, उठने की राल खत्म हो जाएगी। मैडम ही आ जाएगी फिर तो। 40 होगी तेरी सफाई। नहीं रुक जा, कर लूंगा सफाई भी। नाली कौन साफ करेगा बाहर की, वो भी मैं ही करूँ अब। मम्मी ओ मम्मी मम्मी। हाँ बताओ कहाँ है? गैल रेडियो से चालू कर दो। मम्मी मम्मी मम्मी। पापा जी नमस्ते। बुरा नमस्ते होगी, कसरी होगी, बोलते रहो पूरे दिन। बताओ कहाँ काम है? बस एक छोटा सा काम है पापा, मैं नु कह रहा हूँ हम पैदल पैदल ट्यूशन जावे तो हम गिर भी सके, हमारे मोच भी आ सके और एक्सीडेंट भी हो सके, और धूप में काले भी पड़ सके पापा। अरे और कितना काला पड़ेगा, तू जेड ब्लैक, तू तो मुझे दिखता भी ना। आगे बताओ कहाँ काम है? मैं तो बस उन्हें कह रहा पापा, जैसे हम ट्यूशन जा रहे हैं ना, ऐसी ट्यूशन वाली मैंने हमारे घर आ जाती पढ़ाने तो बढ़िया रहता है। ऐसा भी हो सके? हाँ पापा, होम ट्यूशन के भाई, होम ट्यूशन तो बहुत बढ़िया रहेगा, थारे सारे हम भी सीख लेंगे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। ट्यूशन के 400 रुपए तो दिए ना जाते, होम ट्यूशन लगवाएंगे, 20 बालक और आवे ट्यूशन में, उनके तो ना आती मौज। मम्मी यार तुम्हें कहते दया ना आती हम दोनों उन पे। दया छोड़ो, दवा ऐसी दूंगी शुद्ध हो जाओगे, जाओ तू। भाई तू आ यार, किन गरीबन के मुंह लग रहा तू। और ऐसा बेटा पूछ लो मैडम तू, 100 रुपए लेगी होम ट्यूशन के। चुप, नाली साफ कर लो तुम, आए हो होम ट्यूशन वाले, जाओ यहाँ। अरे यार मस्तानी तो बुराई ले रहे हैं। हाँ ट्यूशन में एक तो दोस्त होना चाहिए। मस्तानी ओ मस्तानी मस्तू। हाँ ये बताओ कहाँ होगा? इधर ट्यूशन ना चल रहा तू? ट्यूशन हम नहीं जाए ट्यूशन। क्यों? हमने मैडम की 2 साल से फीस जमा नहीं करी, आप जाए तो फीस मांगे और मारे हैं और हमका पिट बेक ले जाए। तो अकेले क्या करेंगे जाके ट्यूशन में? अरे भैया हम नहीं जाए यार ट्यूशन, हमारे पास तो किताबों नहीं है। क्यों कहोगे तेरी किताब? अरे भैया बाद में अमरूद बेचने वालो आओ, हमने किताबें दे के 1.5 किलो अमरूद खरीद ले, किताबें चलेंगी कबाड़े में। एक चीज बता, किताब मिली तो अमरूद खाने को? अरे चल रहा ना, चल रहा ट्यूशन को। भैया हमारे घर पनीर की सब्जी बन रही, हम ट्यूशन छोड़ दिए, सब्जी नहीं छोड़ सकते यार। तो बाद में खा ली सब्जी, तब तक खत्म नहीं हो जाए भैया।
चल लो भैया हम जाए नहीं पे, हमारे पाए में चोट लग गई यार। अभी ठीक करवा दूंगा तेरे दर्द। भैया मैं दस्तक लग रहे। पापा हमारे पनीर की सब्जी बचा के रखी हो, हमें भैया आ रहे। कौन सा है जो शोर मचा रहा है? शांत होके बैठ जाओ और जो कल काम दिया था निकाल के दिखाओ। क्या हुआ नितिन, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? मैडम जी मेरा झोला फट गया, कॉपी गिर गई कहीं। अच्छा और मृदुल तुम क्यों छुप रहे हो, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? मैडम जी मेरी कॉपी भी आई झोला में, वो भी गिर गई। तो तुम दोनों क्यों नहीं गिर जाते कहीं किसी गड्ढे में? इतना बड़ा गड्ढा ही ना आज ही कहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों ये करने क्या आते हो? पढ़ाई। तुम्हारे हुलिये से साफ पता चल रहा है कितनी पढ़ाई करने आते हो तुम यहाँ। और ये टाई क्यों लगा रखी है, स्कूल में तो कभी नहीं लगाई। मैडम आदत कह रहा हूँ टाई लगाने की, आज ट्यूशन में लगा के आऊंगा, जब तो कल स्कूल में लगा के जाऊंगा। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आकांक्षा। यस मैम। आपका काम कंप्लीट है? यस मैम। दिखाओ ये लो। रिया काम कंप्लीट है? नो मैम। हाँ होगा भी कैसे, फैशन से फुर्सत हो तब ना। वैसे एक बात बताओ, ट्यूशन में इतना तैयार होके आने की क्या जरूरत है? हाँ जी मैडम मैंने भी आज यूँ कही, हमारी तरह है कर ऐसे कक्षा में। बताओ अभी कक्षे वाले, चुपचाप नीचे बैठ जाओ। हाँ बेटा तू काम करके लाइए। यस मैम। सीख लो कुछ इससे, कितनी अच्छी लड़की है, हमेशा इसका काम कंप्लीट रहता है। ले बेटा। परी काम करके लायो। हाँ जी मैडम मेरा भी कंप्लीट है। लड़कियों का तो पूरा है, अब ये बच रहे हैं। मस्तानी कॉपी लायो। ना मैडम जी। क्यों? कॉपी तुमने बेच दी। बेच दी? क्यों बेच दी? गली में अमरूद बिच रहे थे, रद्दी था, तुमने अमरूद लेके खाए ले। तेरे तले रैपट मारूंगी ना, तेरी सिकल में अमरूद जैसी बढ़ा दूंगी, रद्दी है ये। और बिना कॉपी के यहाँ करने क्या आया? मैडम जी हम कहाँ आए रहे थे, हमें तो जेल भाई ले आए हैं। नीचे बैठ। कॉपी किताब को रद्दी समझ रहा है, और तुम सब हर बात पे खीखी खीखी कैसे करो। हाँ पीछे तीनों अपनी कॉपी चेक कराओ। नितिन भाई ये लौंडिया के नाखून कितने बड़े हैं, अगर ये मोसू पटगी ना तो यासू अपनी पीठ खुजवाई करूंगा। और भाई मोसू सेटिंग होगी ना कि तो यासू जो ना मट्टी उठवा लूंगा मैं। पेंदे पेंदे अरे कॉपी दे। एक कविता याद है मैडम जी, सुना फिर। दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ओ निरमा की फैक्ट्री कविता ये है? मैडम जी एक और याद है, सुना फिर। तुम हुस्न परी तुम जाने जा, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा, सौंदर्य साबुन निर्मा। तुझे वही निर्मा में डाल के ऐसा धरूंगी ना सुधर जाएगा। नीचे बैठ। आया यार ट्यूशन पढ़ने, तो का पहाड़ा तक याद नहीं है। नितिन कसू कही ना कल
राय पे निबंध लिखने को, लिख के लाया। ओ मैडम जी कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी कसम कल घेर में गया मैं और गाइस मैंने पूछी भी कि भाई तो पर निबंध लिख लूं, तू कुछ बोली ना, मैंने सोची कि वो लिखने कह रही थी क्या, जैसे ही मैंने वहां पेन चलाया वहां मेरे ऐसी लात मारी कि टांगर तोड़ दी और शाम को उठा कर गई मम्मी और लड़की के दूध ना दे रही अभी वो, पता ना मैडम जी कैसे काम देती रहो तुम भी, टांगर तोड़वा दी मेरी। बेटा मुझे तुम दोनों उनको देख के नू लगे कि कोई इतना गवार कैसे हो सके, नीचे बैठ। हाँ खटका दो खड़ाओ, कल कुछ याद करने को दिया, याद करके आया? हाँ मैडम जी बहुत सब याद है। चल तो नू बता प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। मैडम जी एक बात बताओ, मौसू लड़ाई झगड़े की बात मत करे करो, मेरे घर के ने क्लियर मैंने कर रखी है कहीं लड़ाई दंगा में पढ़ने की जरूरत ना हो, यही मार मैं ट्यूशन से घर जाऊँ घर से ट्यूशन आऊँ, और ऐसी बात तुम करती रहोगी तो मैं कल से ट्यूशन और ना आऊंगा। फिर तू एहसान किसे दिखा रहा है, तेरे पिछले 6 महीने की फीस भी जमा ना है, मत आइयो, कोई जरूरत ना है तेरे जैसे स्टूडेंट की। ए मैडम जी बहुत देर होगी पढ़ते पढ़ते, एक काम करो चाय वाय बनवा लो हमको। अरे ओ बकरा, 1 घंटे का ट्यूशन है वहाँ मैं भी ना बैठा जा रहा शांति सु, 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी घर जाके भर लीजो, इतना बूढ़ा होगा ABCD भी याद है तुझे? मैडम जी याद है। सुना फिर ABCD। और सुना? और सब बढ़िया, तुम सुनाओ। अरे भैया मोह माफ कर दो, कल से तुम्हें ट्यूशन आने की कोई जरूरत ना है। अरे 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 हुआ कहा है? मैडम जी बोल रहा कैलोनिया ने पा दिया। बदतमीज तुम्हें कैसे पता लड़की है? मैडम जी मैं अपने सारे लौंडियों की खुशबू बताओ, यू का लौंडिया की है। मैम ये क्या बदतमीजी है, हम जब भी यहाँ पर आते हैं हमें ऐसे ही परेशान करते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है आप ट्यूशन, मैं तो जा रही हूँ, चलो। भैया हमें लग रहा हो जहीन पा दो तब वही जब भज गई। एक तो तुम पढ़ते नहीं, ऊपर से फीस नहीं देते, और जो बालक पढ़ते हैं फीस देते हैं उन्हें तुम भगा दो है? मैं बताऊंगी तुम्हें। सबसे बढ़िया डायलॉग कौन सा लगा, कविता कौन सी अच्छी लगी, तो जिससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या क्या पसंद आ रहा है आजकल। बाकी हमारे ट्यूशन में एडमिशन चालू हो गया है, किसी को करवाना हो भी एडमिशन तो आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हमारे इंस्टाग्राम को, फटाफट पहुंचा ठीक है जी, तब तक अपना ध्यान रखो, राम राम जी, राम राम जी।